वेलकम बैक इन अदर वीडियोस। तो एक और वीडियो के साथ आपका भाई आपके साथ हाजिर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है ऐप लॉक से रिलेटेड। तो ऐप लॉक के ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं। ऐप लॉक को जब हम ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह जो फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपसे परमिशन मांगेगा। तो आपने सबसे पहले इसको परमिशन ग्रैंड कर लेनी है। तो यहाँ से परमिशन इसकी हम अलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने परमिशन के ऊपर आ जाना है। परमिशन में यहाँ पर इसकी परमिशन को आपने अलो कर लेना है। तो जो परमिशन ये मांगेगा आपने वो अलाउ कर लेनी है। अलाउ करने के बाद आपने क्या करना है, तो आज जो हमारी वीडियो का एम टॉपिक है, अगर आप जो ऐप लॉक का पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको दोबारा से कैसे रिकवर करेंगे। यहाँ से आज की वीडियो में आपको डेटा रिकवरी के रिलेटेड भी बताऊंगा, यहाँ से ऐप को लॉक कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जब ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप अगर किसी भी ऐप को यहाँ से लॉक करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से लॉक के ऊपर यहाँ क्लिक करना होता है। उसके सामने आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन और यहाँ से ये वाला ऑप्शन दो आ जाते हैं। तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले परमिट इसके ऊपर क्लिक करना होता है। ऐप लॉक को यहाँ से आपने इनेबल करना होता है। दोबारा से इसके ऊपर आपने क्लिक करना होता है और यहाँ से ऐप लॉक को इनेबल करना होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं जितने भी जो हमारी सेटिंग थी जो भी था वो लॉक हो चुके हैं। यहाँ से देख सकते हैं मेरी व्हाट्सएप लॉक हो चुकी है, प्ले स्टोर, यहाँ से गूगल और यहाँ से यूट्यूब, फोटोज़, क्रोम, जीमेल यहाँ से लॉक हो गया है। तो यहाँ से हम बैक जाते हैं, बैक जाके चेक भी करते हैं कि हमारा लॉक भी हुआ है या नहीं। तो और यहाँ से हम आ जाते हैं किसके ऊपर, सेटिंग के ऊपर। जस्ट मैंने सेटिंग को ओपन किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मुझे दिखा रहा है कि ये लॉक है। मैं आप इसको पर जो है यहाँ से लॉक दूंगा तभी ये ओपन होगा, वरना ये ओपन नहीं होगा। तो लेकिन अगर मैं लॉक इसका भूल गया हूँ लेकिन मेरा जो गैलरी में इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है तो इसको मैं दोबारा से कैसे रिकवर करूँगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा से ऐप लॉक के ऊपर चलते हैं। ऐप लॉक यहाँ से ओपन कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ से अनकरेक्ट हो गया था। तो यहाँ से 5 सेकंड का हमने लगा दिया था। तो यहाँ से हमने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आ जाना है प्रोटेक्ट के ऊपर। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा प्रोटेक्ट, तो जस्ट प्रोटेक्ट के ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन यहाँ से मिलेगा, सिक्योरिटी वाला ऑप्शन। तो यहाँ से सिक्योरिटी वाले ऑप्शन के ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आपको एक नज़र आएगा सिक्योरिटी सेटिंग। तो यहाँ से सिक्योरिटी अनलॉक पहले मिलेगा आपको। तो इससे आप अपने जो ऐप लॉक का जहाँ से पैटर्न रखना चाहते हैं या पासवर्ड रखना चाहते हैं वो यहाँ से रख सकते हैं। अगर पैटर्न रखना चाहते हैं तो ये वाला, और अगर पासवर्ड रखना चाहते हैं तो ये वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद अगर हम भूल गए हैं तो कैसे रिकवर करेंगे पासवर्ड, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपने सिक्योरिटी सेटिंग के ऊपर आ जाना है। सिक्योरिटी सेटिंग के ऊपर मैं आ गया, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ऐड करना है यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन और उसका आंसर। तो और यहाँ से हम एक क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, हाउ आर यू। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन एक ऐड किया, हाउ आर यू, तो क्वेश्चन मार्क आ गए। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आई एम फाइन। तो इसका जवाब हो गया आई एम फाइन। अगर मैं पासवर्ड भूल गया, अगर मैं जो पासवर्ड भूल गया लेकिन ये मैंने सेव किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने सेव किया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर सेव हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है ईमेल में। तो सिक्योरिटी ईमेल में यहाँ पर आपने अपना जो ईमेल है जो आप यूज़ करते हैं वो वाला ईमेल यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है। तो यहाँ से जो वाला ईमेल आपने सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला ईमेल मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसके बाद आपने सेव के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। यहाँ से यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से पहले से सेव है इसलिए सेव नहीं दिखा रहा। तो यहाँ से ये भी सेव हो गया। सेव होने के बाद बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ से ऐप लॉक का मुझे पासवर्ड भूल गया हूँ, तो इसका मुझे पासवर्ड पता नहीं है। तो लेकिन मैं यहाँ पर किसी और में भी लॉक लगा चुका हूँ। यहाँ से मैं सेटिंग में जो मेरी इंपॉर्टेंट थी तो उसमें यहाँ पर मैं लॉक लगा चुका हूँ। तो अब मैं इस लॉक को कैसे ओपन करूँगा तो उसके लिए भी आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपने यहाँ से क्या करना है, ऐप लॉक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके नीचे 3 डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ऊपर आपको यहाँ पर लिखा होगा एक ऑप्शन फॉरगेट पासवर्ड। तो फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो फर्स्ट से पहले आप इसका, अगर आपने क्वेश्चन ऐड किया हुआ है तो यहाँ पर आप हाउ आर यू की जगह अगर आप इसका जवाब पता है तो यहाँ पर देंगे तो आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसका जवाब, अगर मुझे मालूम है तो आपने इसका जवाब लिखना है, देखते हैं ओपन होता है या नहीं। तो आई एम फाइन में लिखता हूँ, वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो पासवर्ड रीसेट, तो यहाँ से मैं न्यू पासवर्ड ड्रा करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये वाला पासवर्ड रख लिया। तो यहाँ से देख सकते हैं ये वाला पासवर्ड रख लिया।
तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं वही पासवर्ड ड्रा करता हूँ, देखता हूँ ओपन होता है या नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो है ऐप लॉक यहाँ से ओपन हो गया है। इस तरह आप दोबारा से अपने ऐप लॉक को ओपन कर सकते हैं। इस तरह दोबारा से अगर आपने क्वेश्चन ऐड किया होगा तो आप अपने जो पासवर्ड है उसको दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप इनको अनलॉक भी कर सकते हैं, जो जो आप लॉक करना चाहते हैं या अनलॉक करना चाहते हैं उनको अनलॉक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको मज़े की लगी होगी। वीडियो मज़े की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।